बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज की बात कर लेते हैं। कल जब हमने एनालाइज की तो यहीं जहां भी है 1892 के आसपास मार्केट मूव कर रही थी, तब मैंने ये कहा था कि अगर तो ये 93 वाला जो एरिया है ये अगर ब्रेक क्लोज करता है तो 98 और 98 प्लस जा सकता है, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर तो ये इससे रिजेक्ट रहता है 98 से प्रॉपर, तो फिर ये जो है वो 1886 वाला एरिया टेस्ट करेगा। ऊपर की तरफ अगर मूव होती है तो आप यहाँ होल्ड नहीं करेंगे। 1907 के आसपास वाला जो भी एरिया है यहाँ पर ना तो आपने बाय करना है ना ही बाय होल्ड करना है। आप देख सकते हैं कि 1907 तक तो मार्केट नहीं जा पाई है, लेकिन यह कि 1903 तक जाने के बाद वहाँ से रिजेक्ट हुई और उसके बाद उसने आके 1885 को टेस्ट किया। और यहाँ मैंने यही कहा था कि यहाँ ना तो आप सेल करेंगे ना ही सेल होल्ड करेंगे, तो और मैंने ये कहा था कि यहाँ आप देखिएगा अगर यहाँ आपको छोटे टाइम फ्रेम में पोजीशन मिलती है बाइंग की तो आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 85 से बाय होने के बाद ये 9500 पिप्स ऊपर भी मूव कर चुका है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब यहाँ एक और चीज़ थी, मैंने ये कहा था कि अगर तो ये 98 के ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो ये 93 तक आने के बाद जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होगा, लेकिन ये इस तरह हो सकता था क्योंकि ये माइनर लेवल है। इसने जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक किया इसको क्लोज करने के बाद ये डायरेक्टली जो है वो ऊपर की तरफ रिजेक्शन एरिया की तरफ निकल गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए था, ऐसा कभी कभी हो जाता है क्योंकि माइनर लेवल्स कभी रिटेस्ट में करती है मार्केट कभी नहीं करती। तो यहाँ तक आपने 93 तक वेट करना था कि 93 तो ऊपर से आएगा नीचे, यहाँ पर आप बाय तब कर सकते थे जब यहाँ कोई स्टे दिखाए, लेकिन इसने आके ही इस एरिया को जब ब्रेक कर दिया नीचे, छोटा टाइम फ्रेम भी छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट या 30 मिनट तक अगर क्लोज लग गया तो इट मीन्स अब जो है वो यहाँ से बाइंग बहुत मुश्किल है। तो इस तरह कभी कभी होता है। ये चीज़ मैंने जैसे कल भी बताया कि रनिंग मार्केट में ही मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि हम एज ए अंदाजे बताते हैं अपनी जो समझ के मुताबिक। तो ये है कि थोड़ा सा मॉनिटर करना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मॉनिटर करना ही सीखें। अगर नहीं समझ में आता तो हमारे चैनल के अंदर जो है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लर्निंग बेसिस सारी वीडियो है हमारी, एनालाइज बेस पर ट्रेड किस तरह करनी है और जो है वो आप बेसिक से लेकर जो है वो हमारे मेथड का बेसिक और क्या क्या चीज़ें हमारे मेथड में काम करने के लिए जो है वो चाहिए तो वो सारी मौजूद हैं। उनको अच्छे से अगर देखे और समझे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है कि हम हमारे मेथड के बेस पे जो है वो ट्रेड करना मुश्किल है। तो देख लेते हैं आज के क्या क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे, बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स कुछ इस तरह है कि अगर हम नीचे का जो आप एरिया देखें तो कल जो हमारा 86 था वो तो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर एक आज वीक का क्लोज भी है तो ये है कि यूएस सेशन के बाद जो है वो कोई बड़ी मूव लग सकती है। आप लेवल्स पर जो है मॉनिटर अच्छे से करिएगा मार्केट को। मैं आपको प्रॉपर लेवल्स जो मेरी समझ में हैं वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 1882 का जो ये नीचे है। अच्छा एक चीज़ ये है कि ये एक माइनर लेवल है, हो सकता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ तक आए और इसको अगर ये ब्रेक ना करे, आप इस तरह कुछ लें कि इसको अगर ब्रेक क्लोज ना करे तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अच्छा अब 1898 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह गया, इसके ऊपर फिर अगर H4 क्लोज करता है तो फिर H4 क्लोज करने के बाद ये ऊपर की तरफ
मूव कर सकता है, क्योंकि ये कल ब्रेक कराया है और इसको क्लोज भी दिया है, तो इसलिए ऊपर की तरफ शायद ये सीधा भी जा सकता है। लेकिन ये कि ऊपर आप बाय जो है वो ना करिएगा, ना ही होल्ड करिएगा। 1898 से ऊपर अगर ये निकलता भी है और अगर इसने 1907 से ऊपर अगर क्लोज भी कर दिया ना, तो भी ये दोबारा वापस आएगा इन एरियाज़ को, इसे इसको टेस्ट करने के बाद, या 1902 को या फिर 1898 को, इन दोनों में से किसी लेवल को टेस्ट करने के बाद बुलिश होगा। तो यहाँ पर अगर ऊपर जाता है मॉनिटर कर सकते हैं आप, अगर यहाँ से बाय में हैं और फिर तो ट्रेलिंग एसएल के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ कोई एंट्री मत लीजिएगा अगर ये सीधा ऊपर निकलता भी है तो, क्योंकि ये अगर इसको ब्रेक भी कर दे करेगा और क्लोज भी कर दे 1907 के ऊपर H4, तो भी ये नीचे की तरफ मूव एक बार होगा और वो 1898 भी तक हो सकता है और 1902 तक हो सकता है। इन दोनों में से किसी टेस्ट करने के बाद यहाँ से बुलिश होगा, तो ये आप मॉनिटर कर रहिएगा मार्केट की रनिंग मूव में। बाकी यहाँ पर जो पोजीशन है अभी मैंने बता दी है, ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से सीधा भी चला जाए, ये तो आप देखना पड़ेगा इसको। अगर ये 93 से ऊपर ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर पॉसिबल है, तकरीबन अभी क्लोज लगने में कुछ टाइम है इसके अंदर, तो इसलिए मैं कुछ अंदाज़ा नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पोजीशन आपको ये बता रहा हूँ। और अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर वही 1882 के आसपास वाला एरिया है, यहाँ पर आप इसको देखिएगा, यहाँ से फिर ये दोबारा बुलिश हो सकता है ऊपर की तरफ, और ऊपर के लेवल आप जो है वो मॉनिटर करिएगा। जहन में रखिएगा कि जब ये 1882 को अगर ब्रेक करता है और इसके नीचे H1 का क्लोज भी लगा दे, H1 का भी, H4 तो मतलब है, लेकिन H1 भी अगर लगा दे तो आप समझ लीजिएगा ये मज़ीद मार्केट जो है वो वीक हो चुकी है, और ये फिर शायद 85 तक जाने के बाद, 84-85 जाने के बाद ये नीचे की तरफ मूव करे। नीचे मैंने तीन लेवल इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पर ये जो तीन नीचे के जो लेवल लगे हुए हैं, आप इन लेवल्स पर अच्छे से मॉनिटर करिएगा। यहाँ आपने बिल्कुल भी सेल नहीं करना इस एरिया में, और मेरा ये मानना है, जो मुझे लगता है कि ये इनमें से किसी एरियाज़ को टेस्ट करने के बाद यहाँ से जो है वो बुलिश होगा, जो मुझे लगता है, और हो सकता है कि ये फिर ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन ये कि आप यहाँ देखिएगा, किसी भी प्रॉपर लेवल के ऊपर जो है अगर कोई सेटअप देता है इन तीनों में, तो आप यहाँ से बाय देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से सेलिंग भी, सेल तो बिल्कुल भी ना करिएगा, ना ही सेल होल्ड करना है आपने। और अगर यहाँ से बुलिश दिखाता है, कोई सेटअप दिखाता है, तो आप यहाँ से एसएल के साथ करिएगा, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट कोई मज़ीद बुलिश हो जाए, पॉसिबल है कि और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी मूव कर जाए। लेकिन ये कि आप यहाँ पर सेटअप के साथ और एसएल के साथ बहुत ज़रूरी है, और ये एरिया आपके लिए फ़िलहाल आज मेरी नज़र में तो बाइंग ही रहेगा, लेकिन वो भी सेटअप के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी भी लेवल पे आके खड़ी हो जाए और आप मार्केट 5 मिनट और आप बाय कर लें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सेटअप देखिएगा, कोई इशू नहीं होता, 5-10 पिप जो है वो अगर थोड़ा बहुत बुलिश होने में ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन ये कि कन्फर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि आप यहाँ से जो है वो कन्फर्मेशन के साथ ही जो है वो एंट्री लीजिएगा। ऊपर के जो एरियाज़ हैं वो मैंने जिस तरह बताए हुए हैं, आप उनके सेटअप के साथ जो है वो मूव इसकी देख सकते हैं और उसी हिसाब से जो है इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये है आज की जो मूवमेंट है उसकी होने के जो चांस हैं, लेवल्स हैं, वो मैंने बता दिए हैं जो मेरी समझ है उसके हिसाब से। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।